casado! Inés casado! हमें खून की उल्टियां करते हुए नहीं मरना। बॉम्बल केमिकल फोर्स कसादो। दोस्तों, हमारी ये परफॉर्मेंस जान गंवाने वाले विक्टिम का दर्द बयां कर रही है। फालतू का ड्रामा कर रहे हैं। अंदर चलो। हाँ दो यार। इनके खाने में अब वो वाला दम नहीं रहा। इंडियन चाइनीज सब बेकार। चलो आज कहीं और खाने चलते हैं। बड़ा स्वादिष्ट है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आपके कपड़े गंदे हो गए। अरे क्या क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? अरे छोड़ो मुझे, ये क्या कर रही हो तुम? दूर हो जाओ मुझसे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक मिनट, मैं आपको धुलाई के पैसे दे देती हूँ। ओके, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए बेवकूफ। आप जा रहे हैं? बताइए ना, मुझे दिख नहीं रहा है। आप जा रहे हैं? पता है ना, फैसले से पहले जज से मिलना गलत बात है। बस सोचा आपका हालचाल पूछ लेते हैं सर। इन्हीं के साथ जुड़ने के लिए काम छोड़ा था? हाँ, और इन्होंने कहा ये मेरा ध्यान रखेंगे। फिर तो आपको मेरा भी ध्यान रखना चाहिए। बाबेल ग्रुप की बहुत सी गंदगी साफ की है मैंने, ये बात आप जानते हैं ना? यकीन मानिए कि इसका आपको जो फल मिलेगा वो उम्मीद से ज्यादा मीठा होगा। लेकिन फल पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। किसी को पता ना चले तो अच्छा है। बस हमेशा की तरह आज भी हमारी मदद कर दीजिए सर, छुपके से। वैसे आज के मुकदमे में जान तो है ही नहीं। उन लोगों के पास कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। उम्मीद है कि वकील के तौर पर तुम्हारा पहला केस अच्छा निकले। मुझे भी यही उम्मीद है। शुक्रिया सर। क्या हुआ? ये सब क्या है? छत और दीवार से पानी टपक रहा है सर, हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर किसी और कमरे में चलते हैं? कहीं भी कोई भी जगह खाली नहीं है सर, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। लगता है बिल्डर ने बिल्डिंग ढंग से नहीं बनाई। कौन था यहाँ का बिल्डर? सर बाबेल ईएनसी। क्या? देखा जाए तो हेमून ईएनसी ने बनाई थी। पहले उनका नाम वही था, बाहर लिखा हुआ है, देखा नहीं तुमने? ये तो कुछ नहीं है, इनके बनाए टॉयलेट तो भयानक लीक करते हैं। ये तो हेमून ने हद कर दी, ये सरकारी इमारत है, कम से कम इसे तो ढंग से बनाते हैं। आप सही कह रहे हैं, बिल्डिंग्स ठीक से बनानी चाहिए। मेरे ख्याल से बाबेल ईएनसी हेमून से तो अच्छा ही काम कर रही होगी। सुनो गधे, नहा लिया, धो लिया, नाश्ता भी कर लिया? हाँ तो फिर जा जाके बैठ, वरना। सॉरी बॉस। मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है। हाँ, जल्दी पूछो। वो जब जज आता है और खड़े होने को बोलते हैं, कोई नहीं खड़ा हो तो क्या होता है? खड़े नहीं हुए तो? मैं भी ठीक यही सोच रहा था। 5 साल तक की जेल या करीब 30 लाख रुपए का जुर्माना होता है। सच्ची? बस खड़ा ना होने की इतनी बड़ी सजा? मजाक कर रहा हूँ, नहीं खड़े होगे तो भी कोई बात नहीं।
अच्छा शुक्र है, मैं तो डर ही गई थी। और क्या? हाँ पर हम खड़े नहीं होंगे तभी चलेगा ना, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है। देखो जज के लिए खड़े ना होने का मतलब होता है कि कानून और उनके फैसले का सम्मान ना करना। अच्छा सम्मान इनके फैसले का? हाँ पर ये सम्मान लायक फैसले लेते कहाँ हैं, हमेशा अमीर लोगों की साइड लेके बैठ जाते हैं। मैं तो खड़ा नहीं होने वाला, सच कह रहा हूँ, नहीं हो रहा। मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ, जालिमों का सम्मान नहीं करता। सही कहा, एक कलाकार भी इनके आगे सर नहीं झुकाएगा। प्राचीन सन्यासियों के आत्माओं के साथ साथ हम भी इनका समर्थन नहीं करेंगे। सुनो हम खड़े नहीं होंगे ताकि जज को लगे कि हम गुस्से में। ठीक है, ऐसा करने से कोई गड़बड़ तो नहीं? कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई किसी को गिरफ्तार नहीं करने वाला। ठीक है तो चलो फिर उन जालिमों को अपनी एकता की ताकत दिखाते हैं। तो चलो सब तैयार हो जाओ। जज साहब आ रहे हैं, आप लोग अपनी जगह पे खड़े। ये लो एकता का तेल निकाल दिया, सल्यूट करो। किस गधे ने इस फर्श पर प्लास्टिक की शीट बिछाई कोई बताएगा? बात यह है कि दीवारों से भी पानी टपक रहा था सर। इंसाफ के मंदिर में पानी कैसे टपक सकता है, ना बारिश हुई ना सुनामी आई। नहीं रे मेरी कमर। बाप रे। दिए गए सबूतों से साफ है कि रिसर्चर्स ने मैनुअल में लिखी सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को अनदेखा किया और यही वजह है कि वो जहरीले तत्वों के संपर्क में आए। उसके बाद जो हुआ वो तो हम सभी जानते हैं मिलोर। फिर भी कुछ लोग अपनी गलती का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। अब कौन समझा इनको कि ये एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट नहीं है? क्या मुलजिमों के वकील इस दावे से इनकार करते हैं? जी हमारे पास कई सबूत हैं। क्या हुआ वो? दावा गलत साबित करने के लिए। तुम्हें हुआ क्या है? योर ऑनर पिछले कई दिनों से मैं पैनिक डिसऑर्डर से परेशान हूँ। अबे क्या बोल रही है? पैनिक डिसऑर्डर? हाँ अब क्या होगा? इसकी मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। योर ऑनर क्या मैं प्लीज अपनी दवाई ले सकती हूँ? अरे जल्दी से लो ना, इसमें सोच क्या रही हो? चलिए अब कार्रवाई शुरू करते हैं। योर ऑनर मैं अपनी माफिया के जुए के अड्डे पर जब कोई बहुत बड़ी रकम जीतने वाला होता है तो माफिया बड़ी चालाकी से डीलर को ही टेबल से हटा देता है बिना शक पैदा किए। डीलर को? लेकिन कोर्ट में डीलर कौन होगा? अरे तुम ठीक तो है ना? तुम ठीक तो? साहिल तुम ठीक तो हो? अभी खोलो, यहाँ पे कोई डॉक्टर है क्या? उम्मीद है वो ठीक होगी। कुछ तुमने टकराने की आवाज सुनी? ओहो कुछ नहीं। ऑर्डर ऑर्डर सब चुप हो जा। लेफ्टिनेंट देख क्या रहे हो, फौरन एम्बुलेंस बुला। यस मिलोर्ड। चयन आमतौर पर अगर मुलजिमों का वकील केस में बहस करने की हालत में ना हो तो अगली तारीख दे दी जाती है। हालांकि आज के मुकदमे की अहमियत देखते हुए हम इस मुकदमे को मुलतवी नहीं कर सकते। एक ब्रेक लेते हैं और डॉक्टर को बुलवाकर वकील साहिबा की हालत चेक करवाएंगे कि वो केस लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी, और उसके बाद हम फिर से मुकदमे की कार्यवाही शुरू करेंगे। ठीक है? लेकिन अगर प्लान फेल हो गया तो? तो कुछ नहीं करना, उठकर बैठ जाना। मतलब तुम ठीक हो? हाँ होश आने के बाद अब बेटर लग रहा है।
तैयार हो? किसने कहा था तुम्हें उसके पीछे यूं भाग कर जाने के लिए? तो अब कार्रवाई शुरू की जाए मैडम। तो वकील साहिबा, उनका दावा झूठा साबित कीजिए। मैंने अदालत में सबूत जमा नहीं करवाए हैं, इसलिए मैं सब कुछ बोल के बताऊंगी। अगर खेल डीलर के बिना ही शुरू हो जाए तो क्या होता है? ऐसे में माफिया पूरे अड्डे की बिजली उड़ा देता है ताकि कोई भी ना खेल सके। सब शांति रखिए। ऑर्डर ऑर्डर। ओह नो, यहाँ ये अंधेरा क्यों छा गया? नॉट अगेन कहेंगे। आई एम सॉरी योर ऑनर। बिना स्टेनोग्राफी के केस कैसे आगे बढ़ाए? एक मिनट, जरा मुझे सोचने का मौका तो दो। आपकी आवाज नहीं आ रही जज साहब। योर ऑनर, आपका माइक्रोफोन बंद है, आवाज नहीं आ रही। मुझे भी नहीं आ रही। जोर से बोलो, हवा लगा के। अनपढ़ों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। तुम लैपटॉप चलाना जानती हो ना? हाँ हाँ जानती हूँ मैं लॉर्ड, बस एक मिनट, अभी लेकर आती हूँ। लेकिन लैपटॉप पर सही तरीके और तेजी से रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है सर। मत होने दो, वो सिर्फ जरूरी बातें रिकॉर्ड कर लेगी। अगर खिलाड़ी इसके बाद भी खेलने की जिद पर अड़ा रहे तो फिर एक ही रास्ता बचता है, सबको लात मार के बाहर निकाल दो ताकि एक हंगामा खड़ा हो जाए। क्या कर रहे हैं लोग? लैपटॉप लेकर आई है? हाँ मैं अभी देख रही हूँ। अभी नहीं, अभी नहीं। थोड़ी देर और। हाँ तो हम तैयार हैं। मुलजिमों का वकील दलील पेश करें। योर ऑनर, डिफेंस के वकील का दावा है कि रिसर्चर्स ने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को अनदेखा किया है। बड़ा ही शर्मनाक, बेरहमी और दरिंदगी भरा दावा है ये। ये एक दावा नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा सफेद झूठ है। योर ऑनर, इन इल्जामों का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें सिर्फ कंपनी की छवि पर हमला माना जाए। बिल्कुल सही कहा, सोच समझ कर बोलिए। ठीक है। ये क्या है? अरे कैसी आवाज है? ये कैसी आवाज आ रही है? अरे भाई इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ पे? मोबाइल बज रहा है क्या किसी का? साइलेंट करो। कहाँ से आ रही है ये सब? वो क्या नीचे कोई अंदर ड्रोन उड़ा रहा है क्या? क्या है ये? क्या ये चीज कोई बताएगा मुझे? कोई रिपोर्टर छिपकर ड्रोन तो नहीं उड़ा रहा है यहाँ? कोई नहीं उड़ा रहा। देखो 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 देखो, वो क्या वो क्या वो क्या वो क्या ऊपर क्या है? कहाँ है? ये तो बड़ी बड़ी हॉर्नेट है। अरे यहाँ से अगर उसने डंक मार दिया तो मौत पक्की है। खतरनाक होती है, काट दिया ना तो बच जाएगी। बकवास बंद करो तुम अपनी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। अरे अरे क्या कर रहे हो? चलो चलो।
नहीं किया वो इसी वक्त सबको अदालत से निकाल दूंगा मैं। उस कमीने जज ने भी उनसे हाथ मिला लिया है, उसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक्चुअली इसके लिए हमें थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। नमस्ते मैडम। ओह हेलो मिस्टर ली। मेरे जो चाचा है ना, उन्होंने ये हॉर्नेट का शहद निकाला है, आप चख के बताइए कैसा लगा आपको। क्या, हॉर्नेट का शहद? अरे बाप रे। ध्यान से बेटा, ध्यान से। फिलहाल मैंने इन्हें बेहोश कर दिया है, लेकिन छोड़ते समय ध्यान रखना वरना जान जा सकती है। पहले पानी मिलाना चाहिए। पानी नहीं, पहले शहद डालो। नहीं बहुत हो गया। एक काम करते हैं, पहले पानी डालते हैं। डालो डालो डालो, मिक्स करो मिक्स करो। अब शहद ऊपर तैरता रहेगा, है ना? ये अच्छा है। बढ़िया। बैठने में भी दिक्कत हो रही होगी। कुछ नहीं होगा, पक्का ना? मरोगे नहीं तुम। आप सब खड़े हो जाइए। फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट जैसा लग रहा है। दूर होगा ना? आप सब यहाँ शांति से बैठ जाइए। ये तो बहुत सख्त निकला। हे दयालु बुद्धा, हमारी मदद करो। मैं आज इस केस को और नहीं झेल सकता। इस केस की अहमियत को देखते हुए अगली तारीख पर इसकी सुनवाई करेंगे। ये केस बहुत अहम है। क्या बोल रहा है? आज से ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक हफ्ते बाद हम इसकी सुनवाई करेंगे। और
चाहिए तुम्हें? केस को सिर्फ एक हफ्ता बढ़वाने के लिए अदालत को तमाशा बना दिया तुमने? हाँ, कैसा तमाशा बना दिया मैंने? एक वकील को कानून की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन तुमने तो बहुत ही गिरी हुई और घटिया हरकत कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सब कुछ आपसे ही तो सीखा है। ये सब आपकी छत्र छाया का असर है मैडम। इतनी शातिर और गहरी चाल की कहानी सोची जिसका अंजाम था सुपर से ऊपर। और तुम कह रही हो कि मैंने अदालत की तौहीन कर दी? वो जज जो बाबिल ग्रुप की रिश्वत खाकर फैसले करता है, उसाम जो उनके झूठ ढकती है, और हम जिन्होंने ये चाल चली, हम सब एक ही कश्ती पर सवार हैं, समझे? पर तुम कब से इंसाफ का झंडा लेकर लड़ने वाली वकील बन गई? हाँ, तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं दे रही। मैंने इंसाफ का कोई झंडा नहीं उठाया। तो फिर क्यों बिना मतलब के झगड़ा मोल लेने पर तुली हुई हो? क्योंकि नफरत है मुझे तुम सबसे। बाबेल ग्रुप और उसांग सबके सब कमीने हैं। क्या कहा फिर से को? मैं अपनी बात कभी नहीं दोहराती, समझ गई? अपने ही चाटे का स्वाद कैसा लगा मैडम? पैंट गीली करवा दूंगी। समझ में नहीं आता इस लड़की में दिमाग है नहीं या इतना खराब हो गया। बाल बाल बच गए। हेलो, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाय बाय। चलो चलिए, भूख लगी है। बाय 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 बाय। चलो, मत कुचल नहीं होता। चलो यार सुनो, वो नागिन तो बहुत जहरीली है। कौन नागिन? वही नागिन जो बिना बीन के नाचती है। चोई म्यूंगी बोली कि हमने बहुत गिरी हुई और घटिया और बचकानी हरकत की। ये भी माफिया के खेल का एक हिस्सा है, दुश्मन पर उसी के जहर से वार कर, इस तरह वो तिल में ला जाता है। सही कहा, कमीनों के साथ कमीना बनो और जीत जाओ। दुश्मन को उसी के खेल में हराने का सबसे बड़ा फायदा है उसकी बेइज्जती। अगली सुनवाई के लिए मैं पूरी तरह से तैयार होकर आऊंगा। वेरी गुड। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मेरा ब्लड शुगर दुश्मन के हौसले की तरह गिर रहा है। तुम दोनों जाओ, मुझे कहीं और जाना है। तो खाकर जाओ ना। नहीं, जाना जरूरी है। कहाँ जा रही है? आज दिन कौन सा है? मंगलवार है। ये वहां तो नहीं जा रहा है। वहां कहाँ? जुलाई 17, 1948 को कोरिया का संविधान लागू हुआ था। तब से लेकर आज तक ये जायंट हॉर्नेट कभी किसी भी अदालत में दिखाई नहीं दिए, एक बार भी नहीं दिखाई दिए। तो फिर आज कहां से आ गए वो? मुझे वकालत में 25 साल हो चुके हैं, कोर्ट में ऐसा भिंडी बाजार जैसा हंगामा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। लग रही है बॉस, दर्द हो रहा है तो दर्द को सहना सीखो, सीखो 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 सीखो। यकीन नहीं होता, एक वकील के तौर पर पहला दिन इतना बुरा होगा ये नहीं सोचा था। साले बहुत कमीने निकले, और ये हॉर्नेट वाला आइडिया उनको कहां से आया पता नहीं। जज को भी नहीं छोड़ा। उन्हें कोशिश करने दो, हमसे ज्यादा कमीने नहीं बन पाएंगे। हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। तुम शायद चालाकी कहना चाहती हो, चालाकी तो हमने भी की है। अरे तुम मुंह बंद रखो अपना, उन्हें कमीना बोलने से पहले खुद को भी बोल लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक पता नहीं कौन जीतेगा। देखो आज की जीत तो साफ दिख रही है, वही जीते हैं और क्या। हाँ तुम सही कह रही हो। गेट खुलवा रहे हैं। अब मैं क्या करूं? क्यों, अब क्या हुआ? बात यह है, मिस्टर हांग ओ ग्योंग जा नाम की औरत के लिए पब्लिक डिफेंडर के तौर पर लड़ रहे थे। अभी वो औरत जेल में है। वो उसका बहुत ख्याल रखते थे और हर महीने के आखिरी मंगलवार को उससे मिलने भी जाते थे, पर अब वो दुनिया से चले गए तो उस बेचारी औरत का कौन ख्याल रखेगा, कौन उससे मिलने जाएगा? हेलो,
प्लीज बैठ जाइए। आपकी तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, दर्द भी पहले से कम है। मिस्टर हांग तो मुझे छोड़कर चले गए, लगा अब कोई मिलने नहीं आएगा, पर तुम मिलने आए इसलिए शुक्रिया। शुक्रिया मत कहिए प्लीज, मैं बस ये बताने आया हूं कि अब से आपसे कोई मिलने नहीं आएगा। आप चाहें तो अपने परिवार या दोस्तों से मदद ले सकती हैं। मेरा कोई नहीं है दुनिया में। आपके पति तो होंगे? आपके बच्चे हैं क्या? कोई भी नहीं। आई सी, मतलब आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हैं। मुझे पता है आप पर गलत इल्जाम है, पर जब आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है तो आप खुद को उम्मीद कैसे दे दिया? ये जिंदगी तो सबके लिए हसीन ख्वाब जैसी होती है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर ये कभी तुम्हारे सपनों के हिसाब से नहीं चलती। शायद इसलिए क्योंकि हम जिंदगी की मुश्किलों से लड़ना नहीं चाहते। हाँ, पर मैं किन किन मुश्किलों से लड़ती, माफ करना पर मैंने जिंदगी से हार मान ली है। मुझसे माफी मत मांगिए, बल्कि उन लोगों से मांगिए जिनसे आपको सच में माफी मांगनी चाहिए। मैं अब चलता हूं। तो अब हम कभी भी नहीं मिलेंगे? मैं कोरिया छोड़कर जा रहा हूं, ये मेरा देश नहीं है। अलविदा सर। आपसे मिलकर खुशी हुई। जुयोंग हो? जुयोंग, आज से हम ही तुम्हारे मम्मी पापा हैं। लेकिन मैडम, मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि वो मुझे लेने जरूर आएगी। मैं अपनी माँ का यहीं पर इंतजार करूंगा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगा। Thank you.
आ गया गर्मा गर्म पिज्जा, इटली का मशहूर पेपरोनी पिज्जा, मम्मा मिया। अपने ब्लॉग में तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ले लिया तो दो दिन में हिट हो जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ। पार्टी में लोगों को तुम्हारा पिज्जा पसंद आया था, पर ये बेकार है। देखिए अगर तुम चाहते हो कि हम अच्छे रिव्यूज दें तो खाना फ्री देना पड़ेगा। अच्छा फ्री में? मैं तो लुट ही जाऊंगा। चक्कर देखिए ना, आपकी जीभ ही आपको बता देगी कि हमारा ये पिज्जा बाकियों से कितना अलग और टेस्टी है। ये ट्राई करो, बहुत ही ज्यादा तीखा है। ओए, अगर वो और हैलोपीनियो मांगे तो कह देना खत्म हो गए, और कुछ भी मुफ्त में मत देना समझा, ये मुफ्त के चटोरे हैं। और तो ये आंसू क्यों बहा रहा है? बोलिए सर। तुम रो रहे हो? नहीं सर, नहीं रो रहा हूं। दारू पी के इमोशनल हो गए हो क्या? पीता ही नहीं सर। कहां पर हो? किस्मत के जंगल में भटक रहा हूं सर। तुम इसी वक्त वापस आओ, यहां जरूरी काम है। जी। तुमने अदालत में जो किया उसके लिए शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, बल्कि मुझे तो आप लोगों का शुक्रिया कहना चाहिए। वैसे आप ये क्रॉस क्यों ले जा रहे हैं? अच्छा ये एक चर्च था, बाबेल वालों ने उसे खरीद लिया और एक महीने से ये क्रॉस वहीं जमीन पर पड़ा हुआ था। इसे ऐसे देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा और इसे उठाकर ले आया। पर आप इसका क्या करेंगे? इसे ले जाकर गियोंगा चर्च को दे दूंगा, वो शायद इसे वो इज्जत देंगे जो इसे मिलनी चाहिए। चलता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो। जरूर। शुक्रिया, क्रॉस को यहां तक लाने में तुमने मेरी बहुत मदद की। गुरुजी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? हाँ क्यों नहीं, पूछो ना। अगर मैं कहीं दूर चला जाऊं, जैसे बीच समंदर किसी टापू पर, तो मेरे अंदर का जो गुस्सा है क्या वो खत्म हो जाएगा? तुम कहां रहते हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारा गुस्सा खत्म हुआ कि नहीं। और उसके लिए तो मुझे आप ही की तरह ज्ञान हासिल करना होगा ना? गुस्से को कभी अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उससे लड़ना चाहिए। कभी उससे हार मत मानो, ज्ञान तो गुस्से को हराने के बाद ही प्राप्त होता है। विंचेंजो और चार अंक के पीछे लगा दूं? कोई जरूरत नहीं है, कबूतर कितना भी फड़फड़ा ले गिद्धों से थोड़ी ना जीत पाएंगे। तुम्हारा मतलब है तुमने अगली चाल सोच भी ली है? हाँ, तुम गिद्ध नहीं हो, गिद्धों की रानी हो। अच्छा जरा टेक टीम को बुलाओ ना। टेक टीम को? हाँ अभी बुलाता हूँ। टेक टीम को यहाँ भेजो, टेक टीम को, नहीं अभी के अभी भेजो। सब तैयार?
तैयार है सर। वो देखो तुम्हारे लिए गुड लक वाला गमला भी लाई। इसका वॉल्यूम जरा बढ़ा दो ना प्लीज, लाइव कमेंट्री सुननी है मुझे। अगर उन लोगों को ये बदमाशी पता चल गई तो हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरा काम ही है बड़ी मुसीबतों से लड़ना, इसीलिए तो तुम्हें और भी बचकर रहना चाहिए। देखते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं मिला है, दो दिन पहले बस चलने और गाने की आवाजें थी। हम कोशिश करते रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ये क्या आवाज है? क्यों हंस रही हो? मुझे डराने का प्लान था। बस करो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तुम्हें कैसे पता चला कि उस प्लांट में उसने माइक लगाया हुआ है? स्टकी इस ऐसा प्लांट है जिसे महीने भर पानी ना दो तब भी वो ग्रो करेगा। इसलिए कैमरा या माइक लगाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। पुराने वक्त में इंटेलिजेंस सर्विसेज अक्सर जासूसी करने के लिए इस तरह के प्लांट्स का ही इस्तेमाल किया करते थे। समझ गई, उसकी चाले भी उसकी तरह पुरानी ही है। पर तुम ये सब इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हो, बताओ जरा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, ये कॉमन सेंस है? तो तुम कहना चाहते हो कि मुझ में कॉमन सेंस नहीं है? कुछ दिखाई ना देना अलग बात है, पर अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। मेरी आंखें तो खुली थी, फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मैं क्या करूं? चुप रहो। वैसे मिस्टर नाम से मैंने कहा था कि मेरे लिए सांची डोंग में एक बढ़िया सा मॉल ढूंढ कर रखें। क्या तुम सच में सबके लिए मॉल खरीद रहे हो? हाँ, और इसके साथ मैं उनके सारे खर्चे उठाने को भी तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं चाहता हूँ निकलने से पहले सब क्लियर हो जाए। फिर तो तुम्हें जो करना है जल्दी करो, तुम्हारी वजह से यहाँ के लोगों की किस्मत खुल जाएगी। अगर बुरा ना मानो तो मैं चलता हूँ, मुझे केस की तैयारी करनी है। एक मिनट रुको। जादूगर बन गए क्या? हॉगवर्ट्स से जादू सीख कर आए हो? क्या है कि मेरी ब्लाइंड डेट ने मुझे फिर से बुलाया है तो स्मार्ट दिखना है। अच्छी बात है, पर स्मार्ट नहीं, बंदर लग रहे हो। वो बेचारी तो भाग जाएगी। भागेगी भागेगी, भाग कर सीधे मेरे दिल में आएगी। मैं चलता हूँ। आप भी भाग रहे हैं क्या? मिस्टर कसानो, अगर आप बिजी नहीं हैं तो साथ में ड्रिंक पीने चलें क्या? लेकिन बियर नहीं। तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है क्या? तुम क्या सिर्फ बात करने के लिए ही पीते हो? इससे हमारी टीम और मजबूत होगी, है कि नहीं? तुम ज्यादा तो नहीं पीती? बेवकूफ, मैंने कहा था उस आदमी के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ने की जरूरत नहीं है, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? तुम पर तो बावर्ची बनने का शौक चढ़ा है। सर, आपको कैसे पता चला? इस कंपनी को तुमने समझ क्या रखा है? तुम कितने पानी में हो ये पता करने के लिए मुझे बस 10 मिनट चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है। एक ढेले भर की शर्म नहीं है। आओ, अंदा, आओ, ब्लड प्रेशर। मैं हाथ जोड़ता हूँ सर। रहने दो। लो ये देखो, विंचेंजो के बारे में दो अलग अलग जगहों से पता करने की दरखास्त आई है। एक है लॉ फर्म हुसांग और दूसरा आजकल छाया हुआ बाबिल ग्रुप। वो ऐसा क्या कर रहा है जो लोग उसमें इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कहीं वो अपना कोई गैंग तो नहीं बना रहा? पता लगाओ, वो इनसे हफ्ता तो नहीं मांग रहा? सर, मुझे तो वो बहुत ही सीधा और शरीफ इंसान लगा। तो ये लोग क्यों उछल रहे हैं? ये तो पता नहीं सर, पर मैं रिपोर्ट बना देता हूँ और मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना उनके सवालों के जवाब दे दूंगा। ठीक है, और मेरी बात सुनो, तुम अपनी जेब से खर्च मत करो, अकाउंट से ले लिया करो। गरीब कहीं का? मैं गरीब नहीं हूं सर। गरीब मेंढक, लोन भी नहीं चुकाया क्योंकि तुम्हें अपनी मां के हॉस्पिटल का बिल भरना था। आप तो सब जानते हैं सर,
मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब जाओ। थैंक यू सर। चलो निकलो रोतड़ू मेंढक कहीं के।